9 जून को आएगा। आज एएसआई और हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। हिंदू पक्ष ने कहा कि 27 मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद बनाई गई थी, वो हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलना चाहिए वहां। हिंदू पक्ष की दलीलों के बीच कोर्ट ने कहा कि 800 सालों से अगर वहां देवता बिना पूजा के भी वास कर रहे हैं तो उनको ऐसे ही रहने दिया जा सकता है। कोर्ट अब इस मामले में 9 जून को फैसला देगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों से एक हफ्ते में लिखित जवाब देने को कहा है। एडीजे निखिल चोपड़ा ने कहा कि 9 जून को ऑर्डर आएगा जिसमें कोर्ट तय करेगा कि याचिका को मंजूरी देते हुए मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू जैन देवी देवताओं की पूजा की इजाजत दी जाए या नहीं। इससे पहले सिविल कोर्ट हिंदू पक्षकारों की याचिका खारिज कर चुका है। तो दो महत्वपूर्ण मसले हैं जिसको लेकर लगातार पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं, चाहे कुतुब मीनार मसले को लेकर बात कर लें या फिर ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ऋषिपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरा हम बातचीत करेंगे। ऋषिपाल जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार, धन्यवाद जी। सर, दो बड़े मसले हैं इस वक्त चर्चा का, ज्ञानवापी जिसमें 26 तारीख को सुनवाई होनी है और दूसरा मामला जो है अब कुतुब मीनार को भी कहीं ना कहीं इस प्रकरण में ले लिया गया है। ये दोनों जो मामले हैं इनको अलग अलग करके देखें तो किस तरह से हम देख सकते हैं, और जिला जज सुनवाई कर रहे हैं ज्ञानवापी मसले की, लेकिन दूसरी तरफ अब कुतुब मीनार का मामला भी जो है वो चर्चाओं में कहीं ना कहीं शामिल हो गया है जी। आपका क्या जी? देखिए, दोनों मामलों में अगर बात देखी जाए तो एक चीज बड़ी कॉमन है, अगर आप देखें दो चीज के लिए जी, कि अगर देश या समाज के लोग जानना चाहते हैं कि कोई भी अमुक बिल्डिंग है, चाहे वो कुतुब मीनार है या ताजमहल है, ज्ञानवापी मस्जिद है, मंदिर है, उसके अंदर क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, उसके साक्ष्य क्या है, कम से कम ये तो अधिकार सबको है जानने का कि हमें ये तो पता लगेगा। मान लो कुतुब मीनार है, वहाँ के पुराने मंदिर है, वहाँ पे जो लोहे का स्तंभ है हमारी पुरानी सभ्यता को बताता है, अगर उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है और हम उस जानकारी को मिलने के बाद हम गर्व करते हैं, हाँ ये सब जो आर्किटेक्चर है, ये जो सब जो इंजीनियरिंग है, ये हमारे फोर फादर की है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जिस तरह से इतिहास की पुस्तकों को बनाया गया, मध्यकाल को पूर्ण रूप से, लेकिन ऋषिपाल जी यहाँ पर मामला सिर्फ जानकारी हासिल करने तक सीमित नहीं रह जाता है। यहाँ पर अगर जानकारी लेनी है तो उसके लिए इतिहास है, इतिहास की किताबें उनको पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर मामला पूजा के अधिकार से जुड़ा हुआ है और जो अभी वस्तु स्थिति है उसमें बदलाव से जुड़ा हुआ है। एएसआई ने साफ तौर पर कहा कि ये कुतुब मीनार जो है एक स्मारक है, इस पर पूजा स्थल यहाँ पर या पूजा करना ठीक मतलब नहीं, इजाजत दी जा सकती है। इस पर हिंदू पक्ष ने कुछ और ही दलील दी। क्या लगता है आपको कि अगर जो इमारत एएसआई के अंदर है क्या वहां पर इस तरह से कोई इजाजत मिल सकती है? नहीं नहीं, अगर ये इस पर लॉ बिल्कुल सेटल है कि एएसआई पर जो भी किसी भी बिल्डिंग को अगर स्मारक के रूप में घोषित कर दिया जाता है तो एएसआई के जितने भी प्रतिबंध होते हैं उस पर लागू होते हैं। उसके अंदर पूजा की, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, पूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी भी तरीके से उस बिल्डिंग को छेड़छाड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे सांस्कृतिक धरोहर का पार्ट है। दो अलग अलग विषय है, जो देश में चर्चा चल रही है वो अलग चर्चा है, और ये जो पूजा का कोर्ट इसको किस नजरिए से आगे देखते हुए इस पर सुनवाई करता है या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। बहुत शुक्रिया ऋषिपाल जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।